लिया कि जॉब में उनकी डिमांड क्या है, वो आपसे किस तरह का जॉब करवाना चाहते हैं, जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने घंटे आपसे काम करवाना चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है। कई पता लगता है आपने वीडियो एडिटर के जॉब के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, बट वो वीडियो एडिटर की जो जॉब है उसमें आपने ढंग से पूछा ही नहीं कि वो किस तरह की वीडियो आपसे एडिट करवाना चाहते हैं, क्या वो स्किल आपके पास है, कितने घंटे काम करवाएंगे, क्या उसके लिए आप तैयार हो, बहुत सारी चीजें। इसलिए इंटरव्यू में हामी भरने से पहले जो आपको कह रहा है कि सर आपका इंटरव्यू फाइनल हो चुका है, तो आप पूछ लीजिएगा कि जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, बहुत जरूरी है। वो आपसे क्या काम करवाना चाहते हैं, कौन से प्रोजेक्ट में काम करवाना चाहते हैं, इसके लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा या नहीं, मैं घर से काम कर सकता हूं कि नहीं, इसके लिए मुझे किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत है, समझ में आता है, कितने टाइम काम करना पड़ेगा, किस किस समय पे काम करना पड़ेगा, और काम की एक्चुअल में जो काम है वो कितना हैवी है, क्या आप उसको करने के लायक भी हो। पता लगे मेरे साथ जोश जोश में आ गया, आपने पता क्या, हाँ 14 दिन में सारी चीजें सीख लेंगे, आपने सीख ली, बाद में पता लगा जहां पर जॉब के लिए अप्लाई किया उसने थोड़ा और भारी काम दे दिया जो आपको आता नहीं है। सो इंटरव्यू में आप फेल हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। तो जॉब पे जाने से पहले जॉब का डिस्क्रिप्शन पूछ लेना कि वो काम आपको आता है कि नहीं, वो काम आप कर पाओगे कि नहीं, उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट है कि नहीं, आप वो आपसे क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ क्या है, ड्यूटीज क्या है, क्या आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाओगे। अगर ये मैच मिसमैच है तो आप इंटरव्यू देके क्या करोगे, समय बर्बाद होगा। बेटर है कि आप उस कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाओ जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस और कंपनी की एक्सपेक्टेशंस आपसे मैच हो रही हो। जब मैच ही नहीं होगी तो काम कैसे करोगे।